दिलशाद हुसैन की हत्या के मामले में जहां एक दुष्कर्मी को नाबालिग पुत्री के पिता भागवत निषाद द्वारा दीवानी कचहरी के साइकिल स्टैंड पर की गई हत्या, जहां प्रथम दृष्टया बेवसी में की गई हत्या प्रतीत हो रहा था, वहीं शनिवार को गोरखपुर न्यूज़ के पास किसी इरशाद अंसारी ने अपने ईमेल आईडी से एक ईमेल सुबह 11:39 पर एक वीडियो के साथ भेजा, जिसमें यह लिखा था कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं, दिलशाद हुसैन ने उस लड़की से शादी किया था जिसका वीडियो उनके पास है। अटैचमेंट का वीडियो करीब 33 सेकंड का है, जिसके बैकग्राउंड में भोजपुरी का एक अश्लील गाना बज रहा है और वीडियो भी तेलंगाना के आर्य समाज के मंदिर में तथाकथित दिलशाद हुसैन का हिंदू रीति रिवाज से शादी का है। इस तथाकथित वीडियो को गोरखपुर न्यूज़ तस्दीक नहीं करता और लड़की की पहचान को गुप्त रखने के लिए इस वीडियो को ब्लर करके और अश्लील भोजपुरी गाना होने के कारण इसे म्यूट करके ऑन एयर कर रहा है। अलबत्ता इस वीडियो को देखकर कुछ सवाल पैदा ज़रूर हो रहा है। क्या नाबालिग लड़की को पता था कि जिससे वह शादी कर रही है वह हिंदू है या किसी और मजहब का? लड़की अगर नाबालिग है तो उसके कंसेंट की कोई अहमियत नहीं होती है। तभी पुलिस ने दिलशाद हुसैन के ऊपर अपहरण, बलात्कार और पास्को एक्ट की धारा 3/4 का अभियोग लगाकर जेल भेजा था, जिस पर जमानत पर छूटकर दिलशाद हुसैन जेल से बाहर आया था। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की के रिटायर्ड फौजी पिता भागवत निषाद ने इन्हीं तमाम वीडियो और सामाजिक तानों से आजिज आकर हत्या जैसा गंभीर अपराध को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखकर ऐसा लगता है कि यह लव जिहाद का मामला है, क्योंकि दिलशाद हुसैन ने तथाकथित हिंदू बनकर हिंदू रीति रिवाज से नाबालिग हिंदू लड़की से शादी किया।